एक रुपए का भी दान यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाए, हमने एक रुपए का भी दान यदि ऐसे व्यक्ति को दिया जो उसके योग्य नहीं था, तो एक रुपए का दान करने से भी हम दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा की है कि दान किसको देना है, जो योग्य है उसको दान प्रदान करिए, अयोग्य व्यक्ति को दान मत दीजिए। कुपात्र दानाच भवेत दरिद्रम, कुपात्र को दान देने से तुम दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, दरिद्र हो जाओगे तो फिर पाप करोगे, और पाप करोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दोबारा जब जन्म होगा तो फिर से दरिद्र होगे, फिर से पापी बनोगे। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, यदि वही दान किसी सत्पात्र को दे दिया, किसी योग्य को दे दिया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सत्पात्र दाना च भवे धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा त्रिदिवं प्रयाते, पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दाने। यदि किसी धनवान को, किसी सत्पात्र को दान दिया जाए, तो सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? बोले सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यम, सत्पात्र को दान देने से दान देने वाला धनवान हो जाता है। त्रिदिवं प्रयाते, तीन लोक ऊपर जो स्वर्ग है वो प्राप्त होता है एक सत्पात्र को दान देने से, और पुनर्जन्म जब होता है तो फिर से हम धनवान होते हैं और फिर से दानी होते हैं। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। एक रुपए का भी अनुदान किसी कुपात्र को नहीं जाना चाहिए। आपने किसी को दान दिया, आपने किसी को धन दिया, और उस धन को लेकर के, उस दान को लेकर के उस लेने वाले व्यक्ति ने यदि उस धन से कुछ गलत किया ना, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करो। और यदि दान करने की आप बात पूछें कि महाराज जी दान किस वस्तु का करना चाहिए, धन का करें, वस्त्र का करें, अन्न का करें, गऊ का करें, भैंस का करें, कन्या का करें, कन्यादान भी होता है, गऊदान भी होता है, वस्त्र दान भी है, अन्न दान भी है, धन दान भी है। देखो ये सारे दान अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ गरिमावंत हैं, लेकिन यदि हमसे पूछो कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ दान वो दान है जो देने वाले व्यक्ति से कभी खर्च ना हो और लेने वाले व्यक्ति से कभी खत्म ना हो। समझे बात? मैंने आपको दिया तो मेरा कुछ घटा नहीं, और आपने लिया तो आपका भी कुछ, आप भी उसको कभी खर्च कर पाओगे नहीं, ऐसा दान होना चाहिए। और ये दान केवल एक ही वस्तु का हो सकता है, और वो है ज्ञान। ज्ञान का दान देने वाले व्यक्ति से, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मेरा कुछ खत्म नहीं हो रहा, और लेने वाला व्यक्ति उसको कभी खर्च कर नहीं पाएगा। ज्ञान को आप कभी खर्च नहीं कर सकते, वो सदा सर्वदा बना ही रहता है। इसलिए हमारे भागवत में गोपियों ने कहा, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, दुनिया में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो भगवत कथा, भगवत ज्ञान का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी। इसलिए बंधुओं, धन का दान ना दे सको, अन्न का दान ना दे सको, वस्त्र का दान ना दे सको, सब चलेगा। आप ज्ञान का दान दो, और ज्ञान का दान कब दे पाओगे? जब ज्ञान लोगे। और ज्ञान कहाँ मिलता है? कथा में मिलता है। कथा कैसे मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई,
श्री राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रघुनाथ जी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिलता भी नहीं है, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो दान क्या करोगे। इसलिए भैया ज्ञान का दान करो, वो सर्वश्रेष्ठ है।